Excuse me. हाँ रोमी बोल। भाई भाई कहाँ हो आप यार? आपको पता है यहाँ मम्मी जी ने पूरा ऑफिस सर पे उठाया हुआ है, ढूंढ रही है आपको। मुझे लगा ही था यार। एक काम कर, मम्मी से कह मैं बाहर क्लाइंट मीटिंग में हूँ, मैं ऑफिस नहीं आ सकता, बाद में आऊंगा। अरे वही तो बोला मैंने कि आप किसी क्लाइंट के पास गए हो। पता क्या बोल रही है? पूरी मुझे बताओ क्लाइंट कहाँ पे, मैं वहीं जाऊंगी, वहीं जाकर उससे मिलूंगी। यार क्या हो गया इन्हें? मम्मी जी भी, अच्छा एक काम कर, मम्मी से कह के भाई की मीटिंग खत्म हो गई, भाई ऑफिस पहुंच रहे, मैं आ रहा हूं। तब तक संभाले और सुन, उन्हें के वहीं वेट करें। हाँ ओके, जल्दी आओ यार। हे भगवान। डरने की कोई बात नहीं मिसेस राघव, थोड़ी गैस बन गई थी आपको, उसकी वजह से एसिडिटी हो गई थी। और ये मैंने कुछ डाइजेस्टिव मेडिसिन लिख दी है, ये आप अगर टाइम से लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ओके एंड एवरीथिंग इज फाइन। ओके मैं भी सब समझ गई, मैं इनका ध्यान रखूंगी, नहीं समझ में आता तो फोन कर दूंगी। आप चलिए, बाय बोलो, बाय बोलो। जल्दबाजी क्यों है? मेरे घर पे मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हो गया, मुझे उनसे बात करनी। चलिए ठीक है, मुझे ड्रॉप कर दीजिए, चले जाना। प्लीज टेक केयर। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं कर रही। फिर तुमने आलिया का नाम क्यों लिया है, क्या हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं है मनी, लेकिन होने जरूर वाला। तुम्हारी बेटी आलिया और उसका होने वाला पति, क्या नाम है उसका, आदि, वो दोनों चेन्नई जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। चेन्नई? मेरी केयर टेकर ने मुझे बताया है कि आदि और आलिया दोनों चेन्नई जा रहे हैं तुम्हारी आंटी को पिक करने के लिए। आई थिंक कुछ शगुन का फंक्शन है, कुछ पूजा, राइट? मनी बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम उन दोनों को वहाँ जाने से रोक लो, नहीं तो मुझे वापस तुम्हें रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है कि मैं। मुझे आलिया को रोकना होगा। एक मिनट, रुक जा, रुक जा, चल 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 चल। मम्मी जी आप शांति से बैठ जाइए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब थी। और मैं तो शांति से बैठने के लिए आई हूँ, आज मैं पता लगा के जाऊंगी कि ये खोता किस चक्कर चला रहा है। आज तो मम्मी जी भाई की क्लास लेके रहेगी, कहाँ रह गए भाई? बस। बकवास करता है, मैं ऑफिस में मैं ये कर रहा हूँ, मैं बड़ा बिजी हूँ, फोन नहीं उठाता। हर वेले बिजी, दिन भी घर में नहीं, रात भी देर से आता है, बड़ा बिजी है। हाय रब्बा, ए देख वे क्या फोड़ भी तो मेरी गल नहीं मानेगी। ओ इशिता, तेनू पता है इशिता, ये किसी मीटिंग में नहीं है, ए जरूर कोई चक्कर चला रहा है। आज आधे दे इस उल्लू दे पट्ठे नू, इसका मैं दबाव नहीं ठीक किया ना, मेरा नाम भी तोशी भल्ला नहीं। जल्दी आओ यार, फंसेंगे, मुझे भी फंसवाएंगे साथ में। सर ये क्या हुआ आपको? पागल का भूल क्या रहा, अपना काम कर। बेचारा प्यून क्या सोच रहा होगा, किस सर ने कैसे कैसे स्टॉक पर रखे। सर वो आपकी मॉम। श्वेता में सर वर्मा की फाइल ले। अब तो मैं ये सारी गल छड़, मैंने ये बता तू था किधर? कहूंगा मीटिंग में था, बिजी था। क्यों? अच्छा इतना बिजी था कि माँ से गल करने का टाइम नहीं था तेरे को, मेरी कॉल काट दी, बीवी को फोन करने का तेरे पास टाइम नहीं था। मैं तो घर छोड़ के कौन गया, मैं क्या ये अब कंटिन्यू कर रही, और मैं तो जनरली बिजी था, काम में था। तो बस कर, बंद कर दे ये नाटक। और मैंने दस ये किए, ये बता कि ये सारा कुछ किसके लिए लेके आया है? तो रमन? ये वो मम। ओ क्या? ओ बोलती क्यों बंद हो गई, कुछ बोल मुंह से। ओ देखा देखा इशिता, मैंने बोला था, मैंने पहले ही बोला था कि किसी मीटिंग शीटिंग में नहीं है, ये किसी औरत के साथ था। पर रमन किसी और औरत के साथ प्यार की पिंगा बढ़ा रहा है इशिता। दिमाग दौड़ा रमन, वरना आज तलाक हो जाएगा बेटा। मैंने कहा था भाई से कि ये नहीं चलने वाला, सुनते कहाँ है मेरे बुरे पास के। अब श्वेता, श्वेता ये मैं दो दिन ऑफिस से बाहर जाता हूँ मीटिंग्स के लिए, तुम लोग मेरे कैबिन को अपना घर बना देते हो, ये सब क्या है यार? तुम्हारा सामान यहाँ पे कहाँ पड़ा है? ये चूड़ियाँ, लिपस्टिक, झुमके, क्या क्या चल रहा है ये? सर मेरा सामान? नहीं तो क्या, मैं लगा के आता हूँ रोज ऑफिस में, ये ब्यूटी पार्लर की कैबिन समझ नहीं आ रहा मुझे, और तू ध्यान दिया करना है सब यार। पर सर मैं मेरा ये सब ठीक है ना श्वेता?
हो जाती है गलती, रख लिया सामान तुमने, आइंदा से नहीं रखना यहाँ पे। अभी देखो तुम्हारी वजह से महाभारत हो गया था ना यहाँ पर। पर सर, अरे पर क्या, जाओ ना भगवान के लिए यार, चले जाओ, तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है। लड़की अभी श्वेता तुम्हारा, हाँ ये, और ये अगली बार मैं अपना नैपकिन मांगू तो अपना दिया करो, ये अपना मतलब मेरा, जाओ। हाँ कमाल यार, ध्यान दिया करो यार ये तुम। एक मिनट उसकी छोड़। हाँ क्या प्यार की पिंगी बजा रहा हूं मैं, इतना कह गुजर लगता हूं आपको, मैं तीन बच्चों का बाप हूं, मैं काम से फुर्सत नहीं है मुझे। चलो माना हमारे बीच अभी झगड़ा चढ़ा, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बाहर जाके। क्या बात घुमाइए, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को भाई। छी! ऐसे सोचते हैं ये लोग यार, मतलब वेरी वेरी हॉट। मामा जी चले अभी। एक मिनट भाभी, मम्मी जी इतनी देर बाद, आई मीन फर्स्ट टाइम हमारे ऑफिस आई है। मैं अपना केबिन तो इनको दिखाऊंगा ना। हाँ चलो मम्मी जी, गुस्सा मत किया करो यार, चलो जाके उस पे शक नहीं करना आप वापस। सॉरी, मुझे मम्मी जी को रोकना चाहिए था। नहीं नहीं तुम सॉरी मत बोलो, आई नो तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, माँ किसकी है, जो ठान लिया तो करके रही। क्या हुआ, कोई इमरजेंसी, कहीं जाना है? वो एक्चुअली पीहू के खेलने का टाइम हो गया है ना, तो वैसे गुलाबो है तो वो ले जाएगी। आई होप कि रूही पीहू को ले जाए, नहीं तो इशिता को पता चल जाएगा, वो गुलाब को फोन करेगी और यहाँ मैं बच जाऊंगा। नहीं एक्चुअली मैं ही चली जाती हूँ जल्दी। अब अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो कॉफी पीने चले यहीं? हाँ सुबह, अब तो मैं रोमी को बोलता हूँ कि मम्मी जी को घर ड्रॉप कर देगा वो, है ना? वॉशरूम से आती हूँ। शो चट से मरा सम्मान दे। मुझे ऐसे देख ना ले, खुशी हो जाएंगे वो तो पागल हो जाएंगे खुशी के मारे की। मैं इतना ब्लश क्यों कर रही हूँ, अगर रमन को पता लग गया ना तो मजाक उड़ जाएगा मेरा। I'm so happy. Finally. शगुन क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ हाँ I'm feeling much better. अच्छा तुम बताओ ना, रमन से मिली, बात हुई उससे, उसका क्या रिएक्शन था जब उसने तुम्हें वहां देखा? इतने सारे सवाल, बता रही हूँ ना, सुनो, कहो ना। एक बात है जो मुझे बतानी है शकुन। बताओ ना। वो मैं और रमन साथ में कॉफी के लिए जा रहे हैं। What? नहीं थोड़ी देर ही साथ में रहेंगे, ज्यादा नहीं। अरे नहीं नहीं मैं बस सरप्राइज हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझसे कॉफी पे मिल रही हो। है अच्छी बात, मतलब मुझे मिलना चाहिए भी रमन से। शीता तुम्हें हो क्या गया है, टीनेजर की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? हस्बैंड है वो तुम्हारा, ऑफ कोर्स उसके साथ कॉफी पे जाओ। इन फैक्ट तुम दोनों एक दूसरे से बात करोगे ना तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। या सही बात है, मैं जाके बात करती हूँ। बट लिसन, उसे ना आसानी से माफ मत करना। तुम्हें याद है ना वो डिनर पे आया नहीं था, उसे पहले थोड़ा बहुत सॉरी बोलने देना, गिड़गिड़ाने देना, तब जाके माफ करना उसे, ठीक है ना? बात तो सही है, एक बार सॉरी तो बोलना ही चाहिए ना उन्हें। एग्जैक्टली, अब जाओ, हैव फन एंड लिसन, इट्स अ डेट तो तैयार होके जाना। हैव फन, बाय। मदरसा में इतना वक्त क्यों लग गया, समझ नहीं आया। ओहो
रूही बेटा? अब गुलाबो दीदी, मैं रूही बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे पीहू की हिस्ट्री बुक नहीं मिल रही थी। आप कल उसे होमवर्क करा रहे थे ना हिस्ट्री का, तो आपको याद है आपने कहाँ रख दी? वो बेड साइड वाले टेबल पे रखी है, वही पड़ी हुई, देखो। ओके इशिता, मेरे पति का फोन आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने दादी की आवाज सुनी? इशिता चली गई मेरे छड़ के, और तू इतना बेवकूफ, उसको रोका भी नहीं तूने। अरे रुक जाओ यार, कहीं नहीं गई वो, यहीं है वॉशरूम में, मनु कॉफी पीने जा रहे डेट पे। बल्ले बल्ले, ए होई ना गल। ओए अपने भाई से कुछ सीख, कितना होशियार है मेरा रमन। ओए गल सुन, ए चंगा मौका है, सारा कुछ ठीक कर ले, पटा ले, ठीक है? अब फिक्र मत करो, सब सेट कर दूंगा मैं। कुछ भी कर पुत्र, मेरी बहू ने घर लाया, बस मैं ले आऊंगा। जाएगी मम्मी जी वो अभी। अच्छा सुनो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? मेरे को वैसी मीटिंग में जाना है, उसी साइड जा रहा हूँ, चलो छोड़ देता हूँ। हाँ आ जाओ। लक लक सब कुछ हो गया तुम। वैसे भाई अगर आप रात को लेट हो जाओ, आई मीन अगर घर आते भी नहीं हो तो डोंट वरी, हां मैं संभाल लूंगा, मैं कोई बहाना लगा लूंगा। और सुन, किसी काम के लिए मुझे फोन मत करना यार प्लीज। चलो बुलावो के चक्कर में बेटा एक दिन। हां काजल। कौन? कौन नहीं, तुम्हारा काजल समझ हो गया। ओ हाँ, नहीं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कैसा लगा? मेरे ऑफिस में वो सारा सामान मेरे ड्रॉअर में देख के तुम्हें कैसा लगा? तुम्हें क्या लगा मैं सचमुच किसी? नहीं नहीं, मुझे पता था आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ मुझसे ही प्यार करते, सबसे तो करते हो, आदि रूही से, मम्मी जी से, पापा जी से, आप हम सब सबसे। I'm very excited. तुम देख रहे हैं चेन्नई वाला ट्रिप ना बहुत awesome होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम और मैं। Even I'm really excited. अप्पा का कॉल है। हेलो, हाँ अप्पा। आलिया कहाँ हो तुम? घर में क्यों नहीं हो? मैं रही हूँ। अप्पा आप तो पेंशन में हो, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्यों? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तभी तुम घर पे आओगी। इशू घर पे नहीं है, घर में कोई नहीं है, शगुन प्रेग्नेंट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और तुम पूछ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? नहीं अप्पा वो एक्चुअली मैं। आलिया तुम इसी वक्त घर वापस आओगी? फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। कम होम राइट नाउ। जी अप्पा। क्या वो मनी अंकल ने डांटा क्या? हाँ दी, अप्पा बहुत ही गुस्सा हो रहे थे, कहीं शगुन आंटी को कुछ हो गया? चिल इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ हम चल के देख लेते हैं, आ जाओ। नहीं नहीं वेट वेट, मैं अकेले अप्पा का गुस्सा नहीं संभाल सकती, मैं अम्मा को फोन करती हूँ। रमन तो सॉरी बोल ही नहीं रहे, इन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कल को लेकर मैं अपसेट हुई नहीं। अब मद्रास को नीति के बारे में कैसे बताऊं? मैं जानता हूं कि नाराज हो जाएगी कि पहले क्यों नहीं बताया, और मनी के बारे में भी क्या बताऊं कि फिलहाल मनी तो टेंशन में ही, अगर इसको पता चला तो ये भी टेंशन में आ जाएगी। बहुत ईगो है ना राम,
राहुल कुमार में कल बिल्डिंग तक तो मुझसे मिलने आए नहीं, मैं वेट कर रही थी, उसका कुछ भी नहीं। शगुन सही कह रही थी, रमन को ना पहले मुझे सॉरी कहना होगा। हमेशा मुझे फॉर ग्रांटेड ही लेते रहते हैं, मैं ही हमेशा सॉरी कहूँ, खुद की गलती के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगते। पर इस बार मैं सॉरी नहीं कहूँगी, मम्मी जी भी सही कह रही थी, मैंने ना रमन को कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम दे रखी है। नाउ इनफ इज इनफ, मतलब एक भी सॉरी नहीं, एक नॉट लगा तो क्या इन्हें अच्छी सी। आलिया है? हाँ आलिया। हेलो अम्मा, आप कहाँ पे हैं? आपको कुछ पता है कि घर पे क्या हुआ है? नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ। क्या हुआ घर पे, मुझे नहीं पता। पता नहीं अप्पा को क्या हुआ, अभी उन्होंने कॉल किया और उस पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। अम्मा, शगुन आंटी को कुछ हो तो नहीं गया ना? शगुन? शगुन को क्या हो गया है? गुलाबू नहीं है क्या उसके साथ? नहीं, मैंने आधे घंटे पहले भी उससे बात की थी, तब तो बिल्कुल ठीक थी वो, फिर अचानक क्या हुआ है? पता नहीं अम्मा, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए ना। अप्पा का ये गुस्सा वाला रूप ना मैं अकेले नहीं संभाल सकती। नहीं मैं आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं, वो पता नहीं शगुन को अचानक से, पर गुलाबू थी उसके साथ, अचानक से क्या हो गया शगुन को मुझे समझ नहीं आ रहा। I'll have to go. Wait, one second, शगुन घर रूही है ना उसके साथ? तुम की है? रूही है, और आपको कैसे पता? कहाँ पता है, पूछ रहा हूँ, रूही है ना, मतलब होगी। और ये नैनी के भरोसे थोड़ी शगुन को छोड़ के कहीं जाएगी। कौन है गुलाबू? कोई छोड़ो ना, मैं जा रही हूँ। मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं आप मत आओ, वैसे मणि इतने गुस्से में, आपको देख के और गुस्सा होगा, मैं जा रही हूँ अभी। यार जस्ट होप कुछ सीरियस ना हो यार। व्हाट्स रॉन्ग विद यू आलिया, ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या किया है? तुमने चेन्नई जाने का प्लान बनाया है, अपनी दादी को यहाँ लाना चाहती हो, इतनी ओवर स्मार्ट कब से बन गई हो तुम? हां अप्पा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको कहां से पता चला कि मैं चेन्नई जा? उनकी केयरटेकर से मालूम पड़ा मुझे, और प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डायबिटीज है, वर्टिगो है, हो सकता है कि वो ट्रैवलिंग नहीं हैंडल कर सके, डॉक्टर ने कहा है उन्हें रेस्ट करना चाहिए। और इस सब के बावजूद तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उनके और शगुन के बीच में रिलेशन कैसे है, और ये सब जानते हुए भी तुम चाहते हो कि वो यहां है, क्यों? हां मैं शगुन आंटी को स्पेशल फील कराना चाहती थी, उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं शगुन आंटी और उनके बेबी के लिए कुछ पूजा रखवाऊं। And that's the only reason मैं पार्टी को यहाँ बुलाना चाहती थी, क्योंकि उनके rituals के बारे में सारी knowledge है, और इसी बहाने बेबी को blessings भी मिल जाती। वैसे भी पार्टी को भी पता नहीं है कि शगुन आंटी प्रेगनेंट है, जब उनको न्यूज के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगी, इसलिए मैंने सोचा था कि आले आले, ईशु की अम्मा भी ये सारे पूजा rituals जानती है, वो हमारे लिए सब कर सकती है। आंटी यहाँ पे आएगी तो आते आते अगर उन्हें कुछ हो गया तो? थोड़ा सोचो, don't get carried away every time. इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले, ये चेन्नई के टिकट्स खरीदने से पहले तुमने किसी से पूछा, परमिशन ली? बोलो। आलिया ने मेरी परमिशन ली थी। ईशु तुम सीरियसली, तुम जानती थी कि आलिया अकेले चेन्नई जाना चाहती है और तुमने उसे परमिशन दे दी? हाँ मणि। प्लीज ईशु, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। Let me make one thing very clear. I am the man of the house. इस फैमिली का हेड मैं हूं, इसलिए मुझसे पूछे बिना ऐसे डिसीजंस कोई नहीं लेगा। Is that clear? सर, आपसे मिलने कोई औरत आई है, मैंने बोला रुकने के लिए, पर उसे अर्जेंट मिलना है आपसे, मान ही नहीं रही है। कौन है? पता नहीं, पर वो आपसे ही मिलना चाहती है, बड़ी बुरी हालत में लग रही है बेचारी। उसी ने मना कर दिया। अरे कह रही वो मदरसी वैसे सनका हुआ मेरे पे, फिर मुझे देख लेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। बेड़ा गर्क, गवा दिया ना एक मौका और। मेरे को गल दस, तू इतनी देर तक उसके साथ बैठ के कर क्या रहा था, है? सिर्फ मुंह देख रहा था,
उससे तू बड़ा रोमांटिक बना फिरता है, अपने दिल की गल नहीं कर सका। वो हमारे जमाने में ना पुत्र, प्यार करने वाले एक मिनट एक दूसरे को मना लेते थे, और तुम लोग पता नहीं की कर रहे हो। तो तेरी जगह तेरे पापा होते ना, इंज मना लेते मैनू और साथ लेके ही घर आते। मैनू लगता है मैनू कुछ करना पड़ेगा। तू छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है। यस मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।